आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं एसएम मसूद अहमद। आइए देखते हैं इस वक्त की ये खबर। बहुत अच्छा फंक्शन होता है एक तरफ से, तो वो लोग बहुत खुश हुए, वहाँ की मीडिया बहुत खुश हुए। तो यहाँ जो हैदराबाद की जो तहसील में, जैसा कि हमारे माजी साहब ने कहा है कि हम यहाँ से मैसेज देंगे मोहब्बत का, प्यार का और अमन का और इंसाफ का। और ये चीज़ें यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर शंकर भी है और यहाँ पर शौकत भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। शंकर और शौकत जो भी आगे और भी इसकी काम करेंगे इन शाला, तो मुझे अच्छी नहीं कमाना है आपके साथ। शुक्रिया जानब से एकता की पार्टी तीन साल से, ये अच्छी बात है। आज जो माहौल के बारे में जो सीमा से साहब अभी बताए, हमारा मकसद ये जर्नलिस्ट का जो भी अपन कर, इससे पहले एक दो दिन पहले मदीना सेंटर में एकता के पार्टी में शुरू में बोले थे, जर्नलिस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये माहौल को ठीक करने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शंकरन शौकत बहुत अच्छे अंदाज से दूसरे साल में हमारे रियाजा थे, अच्छा अरेंज कर रहे हैं, लास्ट में अच्छा रहते हैं। दोबारा बात करें, शुक्रिया। थैंक यू। हमारे रफी साहब बहुत ही अच्छी नाम पढ़ते हैं और हम स्पेशली इनका थैंक्स कहेंगे रफी साहब को, क्योंकि जब भी यहाँ पर रोजे का एहतमाम किया जाता है, हमारी इफ्तार पार्टी होती है, तो सबसे की जो प्लेयर होते हैं या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो होता है वो रफी साहब का होता है। तो रफी साहब से मैं चाहूँगा कि वो जॉइंट सेक्रेटरी शेख रफी, ये थी इस वक्त की ये खबर। रोजाना की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोज न्यूज। अब मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।